हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, 2024 की शुरुआत हो चुकी है और मुझे पता है हम सबकी मार्केट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, बट कहीं ना कहीं मैं फील कर रहा हूँ कि पहले 3 मंथ जो हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 मंथ में हम थोड़ा बहुत जो है मार्केट में दबाव जो है वो महसूस कर सकते हैं। उसका दो सबसे बड़े रीजंस है गाइस। एक तो मार्केट जो है उसने दिसंबर में हमें एक सेंटा क्लॉज रैली दी है, वो ऑल टाइम हाई पे है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आगे जाने से पहले थोड़ी बहुत जो करेक्शन है वो हमें उस मार्केट में देखने को मिल सकती है। दूसरा जो है गाइस, मार्च में इलेक्शंस है, जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है मार्केट में इस चीज़ का लेके आएगा ही आएगा, चाहे थोड़े समय के लिए लेके आए, बट जो वोल्टिलिटी है मार्केट में इस चीज़ के साथ बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं हम पहले 3 मंथ जो है वो मार्केट में दबाव जो है महसूस करेंगे। बट ऐसे में घबराना नहीं है और इस चीज़ को एज ए अपॉर्चुनिटी हम ले सकते हैं। अगेन, आई कैन बी रॉन्ग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये मेरा पर्सपेक्टिव है एंड दिस इज हाउ आई एम अप्रोचिंग द मार्केट गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। सो इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप उसको अगर आपके लिए बेनिफिशियल हो तो ले सकते हैं। तो मुझे लग रहा है अगेन कि मार्केट को, हमें इस सिचुएशन को अगर ऐसा कुछ अकर होता है तो हमें कहीं ना कहीं इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। जो मिड कैप और स्मॉल कैप है इस सिचुएशन में जो है वो ज़्यादा टूटेंगे, क्योंकि वो ऑब्वियसली ज़्यादा वॉलेटाइल होंगे तो ज़्यादा टूटेंगे, उनकी वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुकी हैं। कहीं ना कहीं हमें वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को भी मिलेगी। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट, वो मार्केट में ही रहने दीजिए, वो मार्केट से निकालिए मत। मगर अभी कोई न्यू एंट्री मार्केट में डालने से पहले थोड़ा बहुत जो है रुकिए, थोड़ा बहुत देखिए, थोड़ा बहुत सोचिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं इस वक्त जो ओवर प्राइज्ड हैं, बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं जो ओवर प्राइज सेक्शन में ऑलरेडी आ चुके हैं। हाँ, अगर आप कुछ न्यू बाय स्टिल करना चाहते हैं तो ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप कुछ ऐसे स्टॉक्स को बाय कीजिए जिनमें अभी आपको लग रहा है कि पोटेंशियल फॉर द ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, उनकी वैल्यूएशंस जो हैं वो थोड़ी सी नॉमिनल है, अच्छी वैल्यूएशंस हैं और उनकी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आगे ज़्यादा है, और इस अपॉर्चुनिटी को जो है आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए, अपनी पोजीशंस बनाने के लिए, एक न्यू एंट्री करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगेन गाइस, मार्केट में कभी ना कभी जब भी हम एंट्री करें, अगर आपने अभी तक कभी भी एंट्री नहीं की तो एंट्री करें तो कभी भी एकदम से सारे पैसे की एक साथ एंट्री नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट डिवाइड द अमाउंट इन 3 times और मे बी 2-5 times एज वेल, उसको 3 से 5 पार्ट में डिवाइड कर लें एंड आफ्टर दैट यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी इन द स्टॉक मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर कि मार्केट जो है वो कहाँ पे पोजीशन है और आपका जो ग्रोथ प्लान है या टर्म प्लान है वो कितना लंबा है मार्केट के परस्पेक्टिव से। तो सपोज अगर आप 1 लाख रुपए मार्केट में लेके आए हैं, सो 1 लाख इज अ वेरी मिनिमल अमाउंट टू बी रियली ऑनेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, बट स्टिल अगर आप 1 लाख रुपए मार्केट में लेके आए हैं तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट 1 लाख को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए मार्केट में डालने से पहले। अगर आप कंप्लीटली न्यू है देन एक चंक जो है वो एटलीस्ट इंडेक्स म्यूचुअल फंड या इंडेक्स ETF में ज़रूर डालें। मैं म्यूचुअल फंड को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करता, मैं खुद भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ, सो आई विल प्रेफर कि आप ETFs में डाल सकते हैं, बट वो इंडेक्स बेस्ड ही होने चाहिए। यू कैन यूज मिड कैप इंडेक्स एज वेल, स्मॉल कैप एज वेल एंड निफ्टी 50 एज वेल, बट अगेन इसमें मैं थोड़ा बहुत प्रेफरेंस आपको दूंगा, आप निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि वो थोड़ा सा कम वॉलेटाइल होगा इन द कंपेरिजन विद अदर टू। एंड इसके साथ ऐसी अपॉर्चुनिटी में आप थोड़े बहुत जो स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए पैसे हैं वो साइड पर रखिए और उनको भी फर्दर डिवाइड कीजिए, स्टॉक के एनालिसिस अच्छे से कीजिए, उनकी वैल्यूएशंस चेक कीजिए और कहीं ना कहीं उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोसीड कीजिए। मुझे पता है इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टॉक्स बढ़ रहे हैं एंड लोगों को फोमो फील हो रहा है कहीं ना कहीं, ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन है जो 2021 के आसपास हमें देखने को मिली थी कि जो मार्केट थी वो एकदम से 7,500-8,000 के क्रैश के बाद बढ़ने लगी थी और तकरीबन 16,000-17,000 के आसपास पहुंच गई थी, और उसके बाद आपने देखी कि मार्केट ने टाइम करेक्शन कितना दिया, आपको तकरीबन 1 से 1.5 साल का टाइम करेक्शन दिया है। एंड कहीं ना कहीं इस वक्त जो मार्केट है वो अपसाइड पे है, बट अगेन हम इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेंगे। अगर कहीं ना कहीं हमें इसमें डिप मिलती है तो हम उनमें बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे, हम उनमें स्टॉक्स ढूंढेंगे और कहीं ना कहीं उनमें इन्वेस्ट करने के लिए जाएंगे। अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए, अच्छे स्टॉक्स के लिए, स्टॉक्स के फंडामेंटल्स अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप अपनी
इन्वेस्टमेंट का टाइम होरिजन 2 से 3 साल भी रखने हैं ना, तो मेक श्योर कीजिए कि जो कंपनी है वो एटलीस्ट लास्ट 2-4 सालों से अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छे नेट प्रॉफिट पे बैठी हुई है। एंड अगेन गाइज, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो सिर्फ वो कंपनीज को चूज कीजिए जो ऑलरेडी नेट प्रॉफिट में है और जिनके नेट प्रॉफिट अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। ऐसे किसी की भी सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत कीजिए। हाँ, आप 4% रिटर्न जो है किसी से कम कमा लेंगे, 10% रिटर्न कम कमा लेंगे, बट जो आपकी कैपिटल है ना, इन चीजों से सेफ रहेगी अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक मार्केट में रहते हैं तो। एंड कहीं ना कहीं हमें तब एक अच्छे रिटर्न भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अच्छी कंपनियां ही आगे जाके गाइस जो है वो स्टे करेंगी। तो ऐसे में इम्पोर्टेंट ये हो जाता है हमारे लिए कि हम मार्केट में रहें, मार्केट में सीखें, फोमो से दूर रहें, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, मार्केट की स्टॉक्स की वैल्यूएशंस पे गौर करें। ओवर वैल्यूएशंस की तरफ भागने का कोई मतलब नहीं है और हमें वो करना भी नहीं चाहिए। मैं अगेन अपनी हर वीडियो में तकरीबन ये बात बोलता हूँ, बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पे बहुत अच्छे स्टॉक्स अभी भी खड़े हैं। अगर आप को नहीं पता तो आप मेरी पुरानी वीडियोस मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने बहुत से स्टॉक जो है वो रेकमेंड किए हुए हैं। अगेन गाइस, ये वीडियोस जो मैं बताता हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होती हैं। आप इसको एजुकेशन की तरह लें, उसके बाद अपनी स्टडी करें स्टॉक्स पे, अपनी जो इन्वेस्टमेंट थीसिस जो भी लगाना है, अपनी जो कैलकुलेशंस है वो लगाएं, किसी से भी रजिस्टर्ड पर्सन की जो है वो सलाह ज़रूर लें कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले। एंड गाइज, इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।